नमस्कार दोस्तों, आपका जी गुरुजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप YouTube पर काम करते हैं या यूट्यूबर हैं, अगर आप किसी प्रकार से YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप YouTube पार्टनर पॉलिसी के बारे में देख लीजिए वो क्या कहता है। अगर आप इस पॉलिसी का पालन करेंगे तभी आपको इनकम होगा, वरना इनकम नहीं होगा। हम देखते हैं कि अपडेट नवंबर में 5 नवंबर को अपडेट हुआ है 2018 में एक बार फिर से कि आप किस प्रकार की वीडियो डालेंगे तो आपका वीडियो पे ऐड आएगा। तो वी नेम सम कंटेंट क्वालिटी वायलेशन, डुप्लीकेशन है, रीयूज कंटेंट आप मत डालिएगा। अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं, अगर आप डुप्लीकेट करते हैं किसी का और फिर उसका रीयूज करते हैं उसी की वीडियो, या किसी का नकल करते हैं और उसके वीडियो को यूज करते हैं, तो आपका नए पॉलिसी आ गए, आपको डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपका वीडियो से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और 2018 में फरवरी में ही निकला था कि अगर आपका 4000 घंटा वॉच टाइम हो गया है और 12 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर है तभी आपके चैनल को मोनेटाइजेशन किया जाएगा, वरना आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा रूल था। इस रूल को निकलते भर में लाखों चैनल कि मोनेटाइजेशन बंद हो गया था, क्योंकि उस समय था कि अगर आपके 10,000 व्यू हो जाते हैं तो आपको अर्निंग के लिए इलेबल कर दिया जाएगा और आपको अर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। मगर अब ऐसा नहीं है। अब उसका आ गया कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी बहुत जरूरी है। अगर आप नया यूट्यूब खोलना चाह रहे हैं तो इसकी पॉलिसी को आप पढ़ लीजिए, तभी आपकी पॉलिसी इसका यूज करके आप वैसा कंटेंट बना के और एडवर्टाइजर फ्रेंडली बना के आप कमा सकते हैं। अब पहला कह रहा है कि रीयूज, अगर आप किसी के कंटेंट को बार बार यूज करते हैं, अगर किसी दूसरे की वीडियो को यूज करते हैं, तो आप उसको आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। आप यूट्यूब पार्टनर पॉलिसी के प्रोग्राम पॉलिसी के एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि रीयूज क्या होता है, थर्ड पार्टी वीडियो अगर आप यूज करते हैं, मिनिमम चेंज करते हैं, अगर कोई वीडियो बनाता है अगर उसका आप वीडियो लेते हैं और मिनिमम चेंज करके फिर उसको अपलोड कर देते हैं, तो इस प्रकार का आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। थर्ड पार्टी कंटेंट, अगर किसी थर्ड पार्टी का है वीडियो या कंटेंट है या किसी प्रकार का, और उसे आप विदाउट नैरेटिव बिना किसी कथा के रूप में उसको फिर उसे अपलोड कर देते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। कंटेंट अपलोड समवेयर इलेज फर्स्ट, अगर आप कोई कंटेंट है उसको अपलोड करते हैं, वो पहले से अपलोड है, पब्लिक डोमेन भी है, तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। कंटेंट अपलोड एनी टाइम द मल्टीपल यूजर, अगर आपके कंटेंट को मल्टीपल यूजर लोग एक ही साथ अपलोड कर रहे हैं तब भी आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा है कि आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। एक ही प्रकार के अगर कई सारे कंटेंट आपको एक ही वीडियो को कई लोग अपलोड करते हैं, मल्टी यूजर लोग अपलोड, ऑटोमेटिक जनरेट कंटेंट। अब क्या है कि अगर ऑटोमेटिक जनरेट, ये सबसे बड़ी पॉलिसी है न्यूज चैनलों की, ये सब करते थे। सिंथेटिक्स वाइज रीडर थर्ड पार्टी, अगर किसी आप टेक्स्ट टू वाइज एप्स के थ्रू, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल में अगर किसी टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट करके अपलोड करते हैं, तो आपको इस प्रकार के मोनेटाइजेशन इलेवन नहीं हो। कंटेंट ऑन चैनल मिनिमम चेंज टू वीडियो, अगर आप वीडियो से वीडियो बनाते हैं और मिनिमम चेंज करते हैं किसी दूसरे का वीडियो, तब भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए नहीं होगा। थर्ड पार्टी इमेज स्लाइसो, अगर किसी आप थर्ड पार्टी का स्लाइसो बनाते हैं, नो एडिशनल कमेंट्री, अगर उसके पीछे
कुछ नहीं बोलते हैं, बस लिख देते हैं, कुछ समझा देते हैं, लिख के समझा देते हैं। अगर उसके पीछे आप कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप स्लाइड शो वीडियो नहीं बना सकते। स्लाइड शो वीडियो क्या होता है, कई सारे इमेज को जोड़ के और एक वीडियो लंबा चौड़ा बना के अपलोड कर देते थे। इससे क्या होता था कि लोग देखते थे और हीरो हीरोइन और अच्छे अच्छे चीजों का अपलोड करते थे गैलरी के रूप जैसे, तो वो सब नहीं होगा। अब उसके पीछे कमेंट्री करना जरूरी होता है और कमेंट्री करते करते समय थर्ड पार्टी का आप नहीं कर सकते। सिंथेटिक वॉइस का मतलब आप कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ वॉइस, एप्स के द्वारा बनाया हुआ कन्वर्ट किया हुआ वॉइस टेक्स्ट टू वॉइस नहीं यूज कर सकते हैं। रिपीटेड द मेनलेस कंटेंट विद नो एडिशनल कमेंट्री ऑफ द नैरेटिव। अगर कोई आप बार बार रिपीटेड ही चीज अपलोड करते हैं एक ही चीज का मेनलेस, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बेकार चीज होता है। अगर कोई बेकार है उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो उस प्रकार के वीडियो को भी आपके अपलोड कर देंगे तो उसमें ऐड आपके नहीं आएगा। अब आता है ऐड वायलेशन। अगर आप यूट्यूब ऐड देता है गूगल एडसेंस के थ्रू, तो उसमें वायलेशन होता है कि अगर आप अपने ही वीडियो को देखते हैं बार बार और अपने ही वीडियो को ऐड पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब आप ऐड को पूरा देखते हैं या बार बार आप अपना ही वीडियो देखते हैं, तो आपके चैनल को डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। आपके चैनल को नहीं अपने वीडियो से या अपने चैनल से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। इनकोर्सिंग अदर द क्लिक, और अगर आप किसी दूसरे सोर्स से कहते हैं कि आप मेरा वीडियो देखें और वो अगर आप किसी दोस्तों या फ्रेंड से या घर ही में किसी से कहते हैं कि आप मेरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो लगातार देखिए, तो वो काउंट नहीं होगा और आपके ऐड को डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। यूजिंग दिस पैकेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन मेथड ऑफ टेन क्लिक, अगर आप किसी दूसरे तरीके से किसी थर्ड पार्टी को या किसी तरीके से आप करते हैं कि मेरे वीडियो को देखिए और ऐड को क्लिक करिए या किसी कंपनी को या किसी तरीके से आप ऐसा करते हैं, अगर पकड़े गए तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। यूजिंग थर्ड पार्टी साइट एंड टूल्स, अगर आप किसी साइट के थ्रू या किसी टूल्स के थ्रू आप ये सोचते हैं कि मेरे जो चैनल है वो ऑटोमेटिक व्यू बढ़ता रहेगा और देखते रहेंगे, तो इस प्रकार के अगर पकड़ लिया गया कि ये आर्टिफिशियल या मैनुअल जनरेट सब्सक्राइबर है या व्यू है, तो आपके चैनल को डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपके चैनल पे कोई भी ऐड नहीं दिया जाएगा। अगर वो पता चल गया कि आर्टिफिशियल है या मैनुअल जनरेट सब्सक्राइबर है, तो इस प्रकार के कई सारे टूल्स वेबसाइट पे मौजूद हैं जिसके थ्रू कई लोग कई लाखों रुपए कमा चुके हैं। एम्बेड थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप द प्रमोट प्लेस ऑन विथिन योर वीडियो कंटेंट, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से एडवर्टाइजिंग कराते हैं, अपने स्पॉन्सरशिप लेते हैं, प्रमोट करते हैं, प्लेस ऑन विथिन योर वीडियो कंटेंट, अगर आप अपने वीडियो पे किसी दूसरे का ऐड चलाते हैं या किसी दूसरे को प्रमोट करते हैं, तो इस प्रकार के गलती करते हैं, इसका मतलब आप YouTube के एडसेंस के अलावा किसी और एडवर्टाइजिंग का ऐड चलाते हैं अपने या नीचे नेम देते हैं या किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं बिना YouTube को बताए, तो आपके YouTube वीडियो पे से मोनेटाइजेशन हटा लिया जाएगा। सेलिंग योर YouTube चैनल एंड द पार्टनर चैनल विच थर्ड साइट एंड द मॉनेटरी प्रॉफिट, अगर आप YouTube चैनल को या पार्टनर चैनल को थर्ड पार्टी साइट से मॉनिटरी करते हैं, अगर आप किसी चैनल को दूसरे चैनल साइट पे ऐड करते हैं और सेलिंग करते हैं, इसको बेचते हैं, तब भी आपके चैनल से मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा। इसका मतलब आप किसी अपने चैनल से किसी दूसरे साइट या लिंक का प्रचार नहीं कर सकते या उसको बेच नहीं सकते। इस प्रकार के कार्य पे आपको मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा और
अगर आपको किसी तरीके से प्रॉफिट होता है, अगर आपने यूट्यूब को और एडसेंस को नहीं बताया तो आपसे मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा। मैनिपुलेट एंड इंसेंटिविटी अदर द क्लिक वीडियो फीचर्स सच लाइक ए लाइक ए फेवरेट। अगर आप मैनिपुलेट करते हैं किसी लोगों से कहते हैं या किसी प्रकार से पैसा देगा, किसी प्रकार से लोगों को कहते हैं कि मैं अब मेरे चैनल पे क्लिक करिए और लाइक करिए और मैं भी आपके चैनल को क्लिक करूंगा लाइक करूंगा, इस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं उसको आप गलत तरीके से सब्सक्राइबर लाइक ये सब बढ़ाते हैं तो आपके चैनल पर से मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा। ये अगर ये बहुत ही खतरनाक नियम है, अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको तुरंत डीमोनेटाइजेशन कर देगा। यह एक सही कहानी, क्योंकि मेरा भी चैनल था उसमें मैंने कुछ सिंथेटिक्स वाइज टेक्स्ट वाइज करके मैंने बना दिया था कि वीडियो और साउंड था इमेज था उसके पीछे मैंने कुछ सिंथेटिक्स वाइज लगा दिया था तो यूट्यूब ने तुरंत मेरे चैनल को डीमोनेटाइजेशन कर दिया। इसका मतलब ये नया पॉलिसी है, पहले ये था कि आप इमेज या वीडियो के पीछे सिंथेटिक्स वाइज लगा सकते हैं, मगर अब ये नियम बदल गया है। 5 नवंबर को ये अपडेट आ गया है 2018 में कि इस प्रकार के अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके वीडियो से मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा। इसका मतलब कि पहले ये पॉलिसी था, लोगों ने कमाया, मगर अब ये पॉलिसी बदल गई है तो आप इस नियमों का पालन करें, अपने ऐड पर खुद क्लिक ना करें, किसी दूसरे से क्लिक ना कराएं, ना ही किसी को सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब ऐसा मैसेज भेजे, सब टू सब ऐसा मैसेज नहीं भेजे, नहीं तो आपको सारा खत्म हो जाएगा, मोनेटाइजेशन आपका खत्म हो जाएगा। और एक एडसेंस से आप जीवन भर में एक ही एडसेंस चला सकते हैं, दूसरा एडसेंस नहीं चला सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।